भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो केंद्र और राज्य में सरकार चल रही है, अनाज के कारण कोई भूखा नहीं मर सकता है, यह तय है। जिस प्रकार से हम सबों ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए कोरोना के महामारी के कारण और अन्य भी जो हमारे कई कार्यक्रम हैं उसमें भूख से मौत नहीं हो सकती है। पुलिस कई बातें आ रही हैं लेकिन पुलिस अंतिम जब तक प्रतिवेदन नहीं दे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके आत्महत्या के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे पुलिस और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। समस्तीपुर की भी एक घटना है जहां पर वो पोस्टमार्टम कर्मी जो है वो 50,000 रुपये मांग रहा है एक पिता से उसके बेटे के पास, वो भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। ठीक है, उसकी भी जांच हम सब करवा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं को हम सब कभी, हमारी सरकार तो जानते ही हैं ये सारी चीज़ें रुकी है, बहुत बीते जमाने की बात हुई है, लेकिन अगर इस तरह की कुछ बातें आई है तो निश्चित तौर पर जांच होगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम सब करेंगे। नहीं, काफी शर्मिंदगी वाली बात है कि पोस्टमार्टम। ठीक है, आपने कहा तो मैं इसमें कोई प्रसन्न तो नहीं हो रहा, ये वास्तव में दुखद है। हमारे प्रशासन के लिए भी ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो हम सब निश्चित तौर पर इसकी भी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होंगे कार्रवाई होगी। सर, प्रशांत किशोर अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होगी प्रशांत किशोर आप लोगों के लिए आगे चुनाव में? नहीं देखिए, हम लोग इन चुनौतियों से न चुनौती मानते हैं न चुनौतियों से चिंतित होते हैं। हम लगातार जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, केंद्र में भी हमारी सरकार है लंबे अरसे से और बिहार में तो ये चौथी पारी हम लोग सरकार में है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो और हमारी जो प्रतिबद्धता है वह आम लोगों के प्रति है और हमारी सरकार मैं पूर्व से भी कहता रहा हूँ जीवन के सभी क्षेत्रों में हमने एक आम लोगों के लिए चिंता की है, इसलिए चाहे प्रशांत किशोर जी हों चाहे अन्य कोई भी घूमते हों कोई भी गठबंधन हो उसके लिए उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये बिहार के लिए कोई सामान्य बात नहीं है, लगातार 2005 से एक मजबूत नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, बीच के 1.5-2 वर्षों के कालखंड को छोड़ दीजिए तो हम सब काफ़ी सर्वस्पर्शी और एक सर्वव्यापी सोच रखते हैं और सभी क्षेत्रों की चिंता किए हैं और आम लोगों का हमारे नेतृत्व पर भरोसा है, एनडीए पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, जनता दल यूनाइटेड एवं हमारे जो हमारे जो साथी हैं सब पर भरोसा है, इसलिए किन्हीं के घूमने से हमारी सरकार को ना कोई चुनौती है ना कोई फर्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस को आरजेडी पर भरोसा नहीं है? मैं देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो हालत हो गई है इस पर मुझे तो लगता है टिप्पणी करने का भी कोई औचित्य नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के हाथों खेल रही है और राष्ट्रीय जनता दल उसे इस तरह के अवसर पर खेल खेलता है जिसके वो शिकार होते हैं, वैसे वो इतने शिकार हो चुके हैं अब उनकी हालत काफ़ी पतली हो चुकी है।